भारत को रहस्यों की जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ 52 टन का चुंबक लगा हुआ था। यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी है जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। अपनी कई खासियत के चलते इस मंदिर ने सन 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अपनी जगह बनाई है। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही इसका अध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्य काल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। इसकी कलाकृतियाँ हैरत में डाल देती है। यह कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण में बलुआ, ग्रेनाइट, पत्थरों व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। यह मंदिर ओडिशा राज्य में पूरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का स्वरूप व बनावट अद्भुत शिल्प कला का नमूना है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है जिसमें 12 जोड़ी पहियां हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है जो हरेक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। वहीं 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाता है, लेकिन आज 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। यह मंदिर 24 पहियों पर टिका है जिन्हें खूबसूरती से तराशा गया है। इसके दोनों तरफ 12-12 पहिए हैं। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर का चुंबकीय रहस्य। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाजों में लगा कंपास, दिशा सूचक यंत्र गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। कुछ लोगों का कहना है कि डायनामाइट का उपयोग करके चुंबक को नष्ट कर दिया गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि सूर्य मंदिर को पूजा के लिए बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल किया गया था। 17वीं सदी में यहाँ रखी मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को गजसिंह कहा जाता है। गज मतलब हाथी और सिंह यानी शेर। यहाँ पत्थर की 2 विशाल मूर्तियाँ हैं जिनमें शेर हाथियों को कुचल रहे हैं और इस दरवाजे के नाम के पीछे यही वजह है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग कोढ़ रोग हो गया। सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की जिसके चलते सूर्य देव प्रसन्न हो गए। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे उन्होंने इसके रोग का भी निवारण कर दिया। तभी सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाने का निर्णय किया। अपने रोग नाश के उपरांत
चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही एक भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। उसके बाद उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और सांब ने उस मूर्ति को कोणार्क मंदिर में स्थापित करा दिया। लेकिन अब यह मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रखी है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर को पहले समुद्र के किनारे में बनाया गया था, लेकिन समंदर धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समंदर के किनारे से थोड़ा दूर हो गया और मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पैगोड़ा कहा जाता है। यहाँ बनवाई गई मूर्तियों को बड़ी खूबसूरती और सेक्स के साथ दर्शाया गया और वह पूरी तरह से यौन सुख का आनंद लेती दिखाई गई है। लेकिन इन मूर्तियों को बाहर तक ही सीमित किया गया है। कारण, जब भी कोई मंदिर के गर्भगृह में जाए तो वो अपने सांसारिक सुखों को बाहर ही छोड़ आए। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो बड़े शेर बनवाए गए, जिसमें हर एक शेर को हाथी का विनाश के लिए बताया गया है। इस दृश्य में शेर गर्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है और हाथी पैसों का। यह मंदिर सूर्य भगवान के रथ के रूप होने के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वो अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसी आकृतियाँ इस मंदिर के मुख्य द्वार मंडप के दूसरे स्तर पर स्पष्ट एवं कोमलता से बताई गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। इसे सन 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा राज्य का कोणार्क सूर्य मंदिर यह सम्मान पाने वाला अकेला मंदिर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। सालों पहले कोणार्क मंदिर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया था? ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का इफेक्ट न पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह पैक हो गया। वहाँ जाने वाले को कई बार यह पता नहीं होता है कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। कोणार्क मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती? कोणार्क सूर्य मंदिर में पूजा न होने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा के बेटे ने मंदिर से छलांग लगा दी थी। इसके बाद से मंदिर को अपवित्र माना जाने लगा और यहाँ पूजा नहीं की जाती। और एक कहानी के मुताबिक राजा नरसिंह देव ने मंदिर के निर्माण के लिए समय सीमा तय की थी। जब बिशु महाराणा ने यह समय सीमा पूरी नहीं की तो राजा को पता चला कि सभी 1200 शिल्पकारों को मृत्युदंड हो सकता है। तब एक छोटा लड़का प्रकट हुआ और उसने राजा के अहंकार को बदलने के लिए मंदिर की छोटी से छलांग लगा दी। मृत्यु के बाद मंदिर अपवित्र हो गया था, इसलिए वहां कभी भी सूर्य देव की पूजा नहीं की गई। कहा जाता है कि जो लड़का था धर्मव्रत सूर्य देव का अवतार था, जो राजा के अहंकार को नष्ट करने के लिए आया था, जो उसी भ्रम में था कि शक्ति और धन वाला हर इंसान सोचता है कि वह अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करता है। इसके पीछे एक किंवदंती और है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तभी इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार की बेटी ने इसी मंदिर में आत्महत्या कर ली थी। मृत्यु के बाद मंदिर अपवित्र हो गया था, इसलिए वहां कभी भी सूर्य देव की पूजा नहीं की गई।